हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 अक्टूबर और आज के डेट में जो अपडेट मैं आप लोगों के बीच में रखने वाला हूं, यकीन मानिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ा अपडेट होगा। देखिए, कुछ प्राप्त जानकारियों के अनुसार अभी यह जानकारी मिली है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि और कब से पेंशन की राशि मिलने लगेगी, यानी कि कब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के खाते में पेंशन की राशि मिलने लगेगी, और यह जानकारी हम लोग जानेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक। यानी कि जब भी मैं वीडियो लेके आता हूँ, कुछ न कुछ महत्वपूर्ण बातें ही लेके आता हूँ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखिए, आज का जो मुख्य टॉपिक है हमारा, तीन चीजों को ऊपर हम लोग जो तो डिस्कस करेंगे आज के अपने इस नए वीडियो में। जो पहले नंबर पे है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि मिलेगी और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब तक पेंशन की राशि मुहैया होने लगी, कब तक मिल जाएगी। और दूसरे नंबर पे है कि 2 नवंबर का क्या अपडेट है ईपीएस 95 पेंशन धारकों को, और आंकड़े क्या बताए जा रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए, आंकड़े क्या है। तीसरा नंबर का अपडेट है आंकड़े क्या है। तो अब इसी सारी चीजों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक ताजा तरीन अपडेट यह भी है कि बहुत जल्द ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन की राशि मिल जाएगी। उसमें एक बात है, जो पहला नंबर की बात है वो है कि 2 नवंबर से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि की जाएगी, लेकिन मैं इसको मानता हूं कि यह बिल्कुल सही नहीं है। क्यों मैं मानता हूं, क्योंकि मैं इसके आगे डिस्कस करूंगा कि इसको क्यों मैं बोल रहा हूं कि यह सही नहीं हो सकती है। दूसरे नंबर पर आंकड़े कुछ सामने निकल के हैं, वो आंकड़े क्या क्या हो सकते हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर। तो सबसे पहले 7,500 रुपए का एक आंकड़ा सामने निकल के आया है, दूसरा है 8,500 का आंकड़ा निकल के है, और तीसरा 9,000 रुपए का आंकड़ा निकल के सामने आया है। मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन से आंकड़े किस पेंशनर्स के लिए रखे गए हैं और किनको कितनी पेंशन की राशि मिलेगी। इसके अतिरिक्त भी मैं कुछ इस पर डिस्कस करूंगा जिससे आपको प्रूफ हो जाएगा और क्लियरिटी आपके मन के अंदर में आ जाएगी पूरी वीडियो को देखने के बाद। देखिए, कब से मिलने लगेगी पेंशन की राशि और किस तारीख से मिलेगी, तो ये मैंने आपको तारीख भी बता दिया, और कितनी पेंशन की राशि मिलेगी ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो 7,500, 8,500 और 9,000 पेंशन की राशि करने की बात सामने निकल के आ रही है। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों सामने हो रहा है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है। जो पहला नंबर अगर हम लोग आंकड़े की बात करें तो 3 आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं। अगर सबसे पहले बात करें कि इन 3 आंकड़ों में से कौन सी पेंशन की राशि कब और किनको मुहैया करानी है और किनको दी जाएगी, तो देखिए इसमें जो पहले चरण पे बात हो रही है कि पहले चरण, देखिए 3 चरणों में पेंशन में वृद्धि की जाएगी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। तो यहां से यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि पेंशनर्स को कब तक पेंशन की राशि दी जाएगी, तो 3 चरणों में पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। जो पहले नंबर का चरण होगा उसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 9,000 रुपए तक मिलेगी। ये भी आपको मैं बता दूं कि जो रिटायर्ड ईपीएस 95 पेंशनर्स है, कम से कम जो 20 साल हो चुके हैं रिटायर्ड, उनको यह पेंशन की राशि मिलेगी। अब इसमें एज फैक्ट करता है, ये जो है तो उनका मैटर करता है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की एज उम्र क्या है, उसी उम्र के आधार पर उनको पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे उम्र महत्वपूर्ण नहीं होगा, उम्र के आधार पर पेंशन की राशि नहीं दी जाएगी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा उन्होंने कंट्रीब्यूशन कितना किया है, उस कंट्रीब्यूशन के ही आधार पर यहाँ पे पेंशन की राशि दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो डाटा मिला है वो एज के आधार पर पेंशनर्स की डाटा यहाँ पे दी जा रही है, जो कि इससे तो यह प्रतीत होता है कि ये भी आगे चल के ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए मान्य नहीं होगा। जो दूसरे चरण की बात है, 8,500 रुपये जो दूसरे चरण में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि होगी वो होगी 8,500 रुपये, और वो 60 से 70 वर्ष के जो ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनकी पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी। और जो तीसरे नंबर पे है, जो प्रथम चरण में जिन पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि की जाएगी, यानी कि जो आखिरी चरण होगा, आखिरी पड़ा होगा, वो 7,500 रुपये जो कुछ ईपीएस 95 पेंशन धारक जिन्होंने अभी न्यू ज्वाइनिंग की है और जो हाल ही में भी रिटायर्ड ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, जो हाल ही में ईपीएस 95 पेंशन धारक बनेंगे, वो उन मेंबर्स को जो है तो जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं उन मेंबर्स को 7,500 रुपये की पेंशन दी जाएगी। लेकिन ये कहाँ तक आपको सही लगता है, क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है ईपीएफओ के द्वारा इस प्रकार का कोई सर्कुलर आया है अथवा नहीं आया है। तो दोस्तों, अरे हालांकि इसके पहले मैंने एक सर्कुलर आप लोगों को पढ़ाया था, जो दशहरे के पर्व पे ईपीएफओ के द्वारा जो तो सर्कुलर जारी किया गया था। सर्कुलर चेक करने का सबसे आसान सा उपाय मैं आपको बता दूं, रास्ता बता दूं कि आप वहाँ पे ईपीएफओ सर्कुलर टाइप करेंगे, अपने गूगल पे जाके ईपीएफओ सर्कुलर टाइप करेंगे, और सर्कुलर जैसे ही टाइप करेंगे वहाँ पे लेटेस्ट सर्कुलर आपको दिख जाएगा
ईपीएफओ का, तो मैं पूरे जो तो ईपीएफओ के सर्कुलर को देख लिया, लेकिन मुझे इस प्रकार का कोई ईपीएफओ का सर्कुलर दिखाई नहीं दिया, मुझे नहीं मिला, तो मुझे बहुत ज्यादा इन पे जो तो भरोसा नहीं हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि हो भी सकता है, क्योंकि तरह जिस प्रकार के सरकारों के द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए तरह तरह के जो तो अपडेट सामने निकल के आती रहती है, मैं तो ये जानता हूं, मैं ये मानता हूं कि आज यह संस्था के साथ में मुलाकात करके रहो, वो संस्था हमको बताया ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 7000 रुपए पेंशन की राशि मिलेगी। कल को जेट में दूसरी संस्था के साथ में अगर मुलाकात होती है, दूसरी संस्था बोलती है कि ईपीएफओ के द्वारा बातचीत हुई है या ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 9000 रुपए पेंशन की राशि फाइनल हो चुकी है, जिसमें मुहर लग चुकी है। अब ईपीएफओ को कितनी पेंशन की राशि मुहैया करा रहा है ये भी पता नहीं चलता, और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कब से पेंशन की राशि मिलेगी, कितनी पेंशन की राशि मिलेगी ये भी पता नहीं चल पाता है। तो इसी में कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अपने वीडियो के माध्यम से, वो सत्य जानकारी होगी, सही जानकारी होगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और आप लोगों का क्या विचार है वो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।